अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैच 3 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको सबको वेलकम दी कॉसमोस एकेडमी की तरफ से। देखिए बैच 3 हमने स्टार्ट करेंगे एरेलर फिजिक्स से। जैसे आप देख भी सकती हैं कि ये एरेलर फिजिक्स का हमने चैप्टर ओपन किया होगा है। और आप जानते हैं कि जो एरेलर फिजिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बुक है। जो भी हमारे पाकिस्तान में कम्पिटिटिव एग्जाम होती है, लाइक लेक्चरार फिजिक्स हो गया, एस एस फिजिक्स हो गया, एस एस टी फिजिक्स हो गया, एस एस टी फिजिक्स हो गया, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर प्यास का हो गया, फेलोशिप कायदे आजम यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एमफिल में एडमिशन लेना है, या फिर आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी होता है, FPSC में जितने भी एग्जाम होते हैं, या एम डी कैट ले लें, ई कैट ले लें, तो सभी जो टेस्ट है ना वो इंडियन बुक्स ही से बनाई जाती हैं। तो यानी कि इंडिया आप जानते हैं हमसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमसे आगे निकल चुका है। हमारी तो कोई एडवांसमेंट है नहीं है एजुकेशन में, लेकिन जो इंडिया है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो इसलिए फिर जो है ना जो भी एग्जामिनर होता है, जाहिर है कि वो फिर खुद से क्वेश्चन बनाने की आसान बात होती नहीं है। तो फिर क्या करता है, या तो इंडियन वेबसाइट पर चला जाता है या इंडियन बुक उठा लेता है, वहां से वो क्या करता है क्वेश्चन बना लेता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये एरेलर फिजिक्स इंडिया में कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी कि कौन से क्लास के जो स्टूडेंट वो ये बुक पढ़ते हैं, किसी को आप पता है? ये जो बुक है एरेलर फिजिक्स इंडिया में कौन सी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ते हैं, ये पता है किसी को बता दें? किसी को नहीं पता? आपको जान के हैरानी होगी कि ये वो बुक है जिसके 1550 पेजेस हैं। ये बुक इंडिया में FSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक नहीं, FSC के जो स्टूडेंट्स होती हैं उन्हें आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना हो या फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाना हो, तो वहां पे वो क्या करती हैं, ये अपने टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए वो ये बुक से प्रेपरेशन करती हैं। तो अंदाजा लगा लें कि हमारा जो MSc बंदा या MPhil बंदा वो ये पूरी वो इस बुक से वो मतलब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इंडिया के जो FSC के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो यहाँ से प्रेपरेशन करते हैं। तो ये FSC की बुक है और यहाँ से अंदाजा लगा ले कि वो कितना मुश्किल टेस्ट वो पास करके डॉक्टर या इंजीनियर बनती हैं। तो वो जो बनती हैं फिर तो उनके पास वो कितने वो इंटेलिजेंट ब्रेन होते हैं। और इंडिया में जो पेपर होता है ना वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं कि हमारा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा जो PhD बनता भी है ना वो वहाँ का ये MD कैट वाला पेपर वो पास नहीं कर पाएगा। और वहाँ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो उस क्वेश्चन के दो दो तीन तीन सवाल भी जो ऑप्शन वो भी ठीक होती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो यहाँ से आप फिर अंदाजा लगा लेते, इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम बैच 3 में क्या करेंगे, एरेलर फिजिक्स को लेके चलेंगे। अब जो स्टूडेंट एरेलर फिजिक्स को पढ़ लेगा उसके इसको वर्कआउट करेगा तो इंशाल्लाह ताला कोई भी जो टेस्ट हो उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक कोई बात पूछना है तो पूछ लें। फिर अब इसमें हम चलेंगे कैसे बैच 3 में? तो देखिए आज मैंने आपको ये मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, तो जब ये हमारी PDF फाइल जिसकी 9 पेजेस है ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैंने आपको डाटा फाइल भेजी है। जो पेड स्टूडेंट है उनको मैंने वो आइडिया है, तो जो मैंने आपको डाटा फाइल भेजी है उस डाटा फाइल में आपके पास जो है ना आपने उस डाटा फाइल को कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है ये हम वो मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि मैम ने आपको बताया भी था लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट है उनको समझ नहीं लग सकी कि हमने बैच 3 में चलना कैसे, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले जो भी चैप्टर होगा ना, अभी हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड मोशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको एरेलर फिजिक्स से आपको वो चैप्टर सेंड करूँगा, तो वो फिर अब उसका लेक्चर होगा। तो फिर जो या ये जब PDF फाइल खत्म हो जाएगी फिर आपने क्या करना है, डाटा फाइल को ओपन करना है। तो डाटा फाइल में सबसे नंबर 1 नोट्स वाला जो लिंक है और जो लिंक है ना उस पर आपने क्लिक करना है। तो उसके अंदर जो जब आप जाएंगे नोट्स वाले फोल्डर के अंदर तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी होंगे,
और कंसेप्चुअल पॉइंट के नोट्स भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। एमसीक्यूज आपने वो अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, वो जब आप मर्जी करें उसका, मेरा सा वो मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि वो फौरन करें, वो आपकी मर्जी है जब मर्जी करें, ठीक है। लेकिन जो नोट्स है ना, जो हैंड रिटन नोट्स हो गए या कंप्यूटराइज नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स हो गए, उनको आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपने क्या करनी है, उनको नोट डाउन कर लेना है, पेज पे कर लें या किसी भी, वो फिर आपने वो क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्कशन होगी जब ये एरलेस फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे वो थर्ड डे हो, या जो से जब भी हो, उस दिन आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछने हैं। नंबर वन स्टेप नोट्स, नंबर टू जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डेटा फाइल में मिले हुए हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपने क्या करने हैं, वो सुनने हैं। तो वहां से भी जो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे इंशाल्लाह ताला क्लियर होंगे, और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो फिर अगेन आपने क्या करना है, पूछना है। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, जो असाइनमेंट आपको दी हुई है उस असाइनमेंट को आपने क्या करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। अच्छा उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें तो पहले उस जो फोल्डर है ना असाइनमेंट वाला, उसके अंदर अनसॉल्व असाइनमेंट भी है और सॉल्व असाइनमेंट भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अनसॉल्व जो असाइनमेंट उसको अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, एफर्ट करें, कोई सवाल नहीं आता उसको सर्च करें, खपे उस पर। तो ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो चौथा स्टेप है उसका, फिर आप सोल्यूशन देखें असाइनमेंट का, तो फिर मैच कर लें जो भी आपको, वो मतलब फिर से और आपका बेनिफिट होगा। चौथे नंबर पर यह है कि ऑनलाइन क्विज है वहां पर दिया हुआ है, उसको अटेम्प्ट करें, ऑनलाइन क्विज को अटेम्प्ट करें, फिर उसकी पीडीएफ जो क्विज है ना वो पीडीएफ में भी दिया हुआ है, अनसॉल्व भी दिया हुआ है, सॉल्व भी दिया हुआ है। तो अगेन आपने क्या करना है, उस पीडीएफ क्विज को आपने ओपन करना है, उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, और फिर आप उसका जो है सोल्यूशन देखना है। तो ये हम आपके जो प्रेपरेशन के जो मेथड है आपने करना है। अब इसमें जो पहले दो पॉइंट है ना, नंबर वन और नंबर टू, ये मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आपने फौरन काम करना है, क्योंकि एक मे भी हमारे पास एक लेक्चर हो या दो हो या तीन लेक्चर हो, तो जब तक ये फाइल खत्म नहीं ना होती तब तक आपने क्या करना है, ये नोट्स और जो रिकॉर्डेड लेक्चर से यहाँ से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अपने पीडीएफ फाइल में प्यारा सा करके उसको क्या करना है, डिस्कशन ग्रुप में सेंड करना है। फिर वो हमारा जो नेक्स्ट है वो लेक्चर होगा, तो वो क्या होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेक्चर होगा। इस तरह फिर आपकी जो इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है वो हमारी साथ साथ होती जाएगी। तो जब आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी रिटर्न की एग्जाम की भी प्रेपरेशन हो जाएगी, और ये आपके हो जाएगी इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी, और इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उनका सोल्यूशन जो अभी प्रीवियसली आपसे पूछे गए हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनका जो सोल्यूशन है पीडीएफ में डिटेल के साथ, कंसेप्ट के साथ, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बैच थ्री में हमारे पास दो सेक्शन होंगे लेक्चर के। पहला जो सेक्शन हमारा होगा वो होगा एरलेस फिजिक्स, दूसरा हमारा जो सेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ठीक है। तो एरलेस फिजिक्स में आपने क्वेश्चन मुझे नहीं भेजने, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा उसमें आपने क्या करना है, ये वो आपने सोल्यूशन मुझे भेजना है। टाइम मैं आपको दे दिया करूंगा, तो मैं आपको अभी ये आप खुद ही बता दें कि कितना टाइम की डेडलाइन रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम की डेडलाइन होगी ना फिर आप भी सीरियस होंगे, आपको भी पता होगा कि मैंने इस टाइम तक ये लेक्चर को मैंने पढ़ना है, तो आप बता दें फिर। बुक का नेम है, ये पूछे है अक्सा, बुक का नेम है एरल एक्सपेक्ट अक्सा, मैंने अभी ज्वाइन किया, काइंडली प्लानिंग दोबारा बता दें, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। निदा बोल रही है 4 बजे तक डेडलाइन रखते हैं, सुदस्तर इकबाल कह रहे वन डे। समन आप ना वो काइंडली रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, क्योंकि अब इसमें 5-10 मिनट लग जाने दोबारा में, तो काइंडली आप ना वो दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन लीजिएगा, तो फिर अगर आपको कुछ भी हुआ वो फिर आपको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो डेडलाइन आप बता दें, निदा ने 4 बजे की बताई है। अच्छा
चलें आप इस तरह करें कि कल आपने ना 9 बजे तक, 9 PM, 9 PM तक आपने आपने जो क्वेश्चन है ना वो आपने भेजने हैं डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है? और भी ये बात आपने याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आप भेजेंगे सिर्फ उस पे डिस्कशन होगी, ठीक है? और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट अपने वो मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं भेजेगा उसकी भी फिर हम वो बाद में देख लेंगे। अभी तो चले मैं उसको मतलब इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल हम ये रखते हैं कि 9 कल 9 बजे तक आपने क्या करनी है, मेजरमेंट्स की नोट्स जो डाटा फाइल आपसे शेयर की गई है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मौजूद है उनको आपने रीड आउट करना है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो वो PDF फाइल में नीट एंड क्लीन, ये नहीं कि गंदे मंदे, प्यारे से मार्कर का यूज करके उसको आपने क्या करना है वो आपने भेजना है। तो कल 9 बजे तक वो फाइल मुझे रिसीव हो जानी चाहिए सब स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर जो आप में कोई भी स्टूडेंट है वो फाइल शेयर नहीं करता मेरे साथ तो फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है ये फिर हमारा नहीं होगा। तो ये सख्ती मैंने इसलिए की है ताकि आप जो है ना वो जब आपको पता है पाकिस्तानी आवाम को डंडे की जरूरत होती है तो ये जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे विद इन अ डेडलाइन तो तब मैं ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा, अदरवाइज उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नुकसान आपका है, ठीक है? और डेडलाइन के अंदर अंदर आपने भेजना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर क्या करे मुझे पर्सनली वो मुझे मैसेज कर देगा तो फिर उसका वो मैं वो कर लूंगा, ठीक है? हाँ जी कल तक समन करना, कल 9 बजे तक। नाइन पी एम तक या 9 PM दीदा, कल रात 9 बजे तक आपने भेजने हैं। साल फुल चैप्टर रीड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, मैं आज हाफ चैप्टर कर सकी हूँ एक दिन में फुल चैप्टर इन डिटेल। चले फिर इस तरह कर लें, आज फ्राइडे है ना, आप फिर कर लें कल सैटरडे है, संडे 9 PM कर लें, 2 दिन आपको दे रहा हूँ। तो संडे 9 बजे तक आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन मुझे भेजने हैं, ठीक है? तो अब तो कोई इशू नहीं आपको होना चाहिए और कोई बहाना भी नहीं होना चाहिए। देखिए कंट्रीब्यूट करेंगे आपका फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है सर। एक लेक्चर नहीं करना है क्या? क्या निदा पूछ रही है, एक लेक्चर नहीं करना है क्या? इसका क्या मतलब है? तो आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मजीद जो आपकी बातें होंगी वो तो डिस्कशन ग्रुप में फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेजरमेंट्स क्यों जरूरी हैं? अब ये सवाल का जवाब हर एक को तो आता ही है, ठीक है? लेकिन अब जाहिर है कि इंटरव्यू में आपने किस तरह अल्फाज का चुनाव करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिनके जवाब सबको पता होते हैं लेकिन जो जवाब देने का तरीका होता है ना वो हर एक को नहीं आता। जवाब देना भी एक आर्ट होती है, एक वो हर एक के पास नहीं होती है, ठीक है? तो इस पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी जवाब देने का तरीका। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है? अक्सर आप पहले नंबर पे आप शो हो रहे हैं तो आप बताओ मेजरमेंट्स क्यों जरूरी है? या फिजिक्स में दूसरे अल्फाज में तरह कर लें कि फिजिक्स में मेजरमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो बोले सर सर क्वांटिटीज को कैलिब्रेट करने के लिए, मतलब कि हम कौन सी क्वांटिटी ये आपने माइंड में रखना है कि आप इंटरव्यू कितनी। में बैठी हुई है, ठीक है? आप इमेजिन करें कि इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा गया है, उसको माइंड में रख के आपने आंसर देना है। हाँ जी निधा पूरा चैप्टर करना, इसलिए 2 दिन दे रहा हूं। चले समन आप बता रहे हैं। जो कि फिजिक्स पास नेचर की स्टडी है तो इसलिए हम लोग उसमें मैटर की प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसमें हम उसको क्वांट
क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। तो क्वांटिटेटिवली हमें उसको देखने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम मेजरमेंट्स के लिए उस एरिया की तरफ जाते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ है और बाकी जो चीजें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, उनको देखने के लिए हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है क्वांटिटेटिवली। तो दो एरियाज होते हैं, क्वालिटेटिवली भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में और क्वालिटेटिवली भी, सॉरी क्वांटिटेटिवली भी, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। आज किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्लेन करना है तो दो वे आपके पास होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिवली और एक होता है क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का ये मतलब है कि आपने ये बताना है कि दूध में कितना पानी है। अगर आपके पास 1 लीटर दूध है, उसमें अगर आप बताओ कि 1/2 लीटर पानी है, तो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, आप बताएं कि दूध पतला है या दूध गाढ़ा है। तो जब आप ये बताते हैं कि दूध पतला है या दूध गाढ़ा है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है। और जब आप ये बताती हैं कि दूध जो है वो कितना उसके अंदर पानी है, तो आप क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस। हाँ जी, आपने अच्छा आंसर किया है। तो अब देखिए, जब आप कोई भी आप लॉ होते हैं, उसकी सबसे पहले क्या होती है, डेफिनेशन होती है, वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर उसके जो लॉ होते हैं, उसकी आप मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होगा तो फिर आपके पास कोई फार्मूलाज नहीं होंगे। तो मेजरमेंट्स ही की मदद से हम क्या करते हैं, ये सारे फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। तो इन फार्मूलाज को अगर फिजिक्स से निकाल दिया जाए, मेजरमेंट से निकाल दिया जाए, तो फिजिक्स का वजूद खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स की जो बुनियादी क्या, वो मेजरमेंट की है, क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर देखें, अ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अब दो स्टूडेंट हैं, दोनों से फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप बड़े खुश होते हैं, आप कहते हैं कि जी वाह, इतना आसान सा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया है। तो आप जो पाकिस्तानी बुक का वहां से आप देख रहे हो, वो डेफिनेशन बता देती हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वो स्टूडेंट जो ये वाला डेफिनेशन बताता है कि वो क्वांटिटीज जिनको मेजर भी कर सकते हैं और जिनसे दूसरे जो फिजिकल फिनोमिनन्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकती हैं और उनको लॉज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी कर सकती हैं और इनकी मदद से जो वेरियस जो फिजिकल फिनोमिनल्स होती हैं उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है और फिर उनको लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेस भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकती हैं। तब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके मदद से आप क्या करेंगे, ग्रेविटी को एक्सप्लेन करेंगे, फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनको आप क्या कर सकते हैं, लॉ की फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो यानी कि फिर आप उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो आपने किस में फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आप खुद ही अपने आप को मतलब इमेजिन करें कि जो स्टूडेंट पाकिस्तानी बुक वाली जो डेफिनेशन सुनाता है और जो स्टूडेंट ये वाली डेफिनेशन सुनाता है, आप जरा किससे खुश होंगे। आप जरा कि आप टीचर हैं, अगर दो स्टूडेंट हैं, एक वो कहता है कि दोस्त क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, और एक दूसरा स्टूडेंट वो जो ये वाली बताता है, तो किससे आपने इंप्रेस होना है। तो इन चीजों पे आपने क्या करना है, आपने काम करना है, ये चीजें फर्क डालने वाली होती हैं। ऑन द अदर हैंड, वेरियस हैपनिंग्स इन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सारो आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। वो कहता है कि यहाँ पर लिखा है ना फिजिकल हैपनिंग्स, वो कह रहा है कि वो फिजिकल हैपनिंग जैसे कि खुशी, गम, ये मेजर नहीं की जा सकती, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि आप कितने किलो खुश हैं या आपने कितने किलो आप दुखी हैं। तो इसलिए खुशी, गम, प्यार, धोखा, जहानत, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। मेजरमेंट इज अ नेसेसरी टू डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड टू प्रूव फिजिकल लॉज आर क्वांटिटीज, तो ये आप उसका से कर सकते हैं कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। तो मेजरमेंट इसलिए जरूरी है टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि अगर आप मेजरमेंट नहीं होगी तो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है मैग्नीट्यूड है, अगर आप इंटरव्यू में पूछा जाता है ना व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट, तो आप ये वाला पैराग्राफ अगर आप याद करके सुना रहे तो ये भी अच्छा आंसर है कि जो फिजिकल जो मेजरमेंट है ये हमें फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड बताती है, फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने में मदद देती है, और फिजिकल लॉज को या इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमें मदद देती है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई भी आपसे सवाल हो आपके माइंड में तो आपने फौरन पूछ लेना है। A physical quantity is represented completely by its magnitude and unit. For example, 10 meter means length, which is 10 times the unit of the length. So physical quantity को मेजर करने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट और डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है प्लस यूनिट। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, नंबर होता है। जैसे आपसे बोला जाए ना 2 kg, तो उसमें जो 2 है उसको वो हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड, और kg हमारा क्या होता है यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है n, ये एनालिस्ट फिजिक्स है लतीफ खान। n रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u रिप्रेजेंट द यूनिट। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड इज अ नंबर 1, 2, 3, और यूनिट ना वो मैग्नीट्यूड नहीं होता, याद रखना है यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है 1, 2, 3, यूनिट हमारा केजी मीटर, ये अंग्रेजी का रूप होते हैं। दस वाइल एक्सप्रेसिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, मैं ये वही बता रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर होता है 1, 2, 3 वो नंबर होता है, और जो यूनिट होता है वो केजी, वो अंग्रेजी का रूप होता है, जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। समझ नहीं आगे डेफिनेशन आएगी यूनिट की, तो वो तब हम वहां पे देखेंगे। क्लियर है सुमैया कि मैग्नीट्यूड इज द नंबर, हाँ जी, यूनिट हमारा स्टैंडर्ड होता है जिसकी मदद से हम क्या करती हैं वो कंपेयर करती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके आएगा तो वहां पर फिर हम उसको डिटेल से देखते हैं। बहुत सारे एक मिसकंसेप्शन होती है कि हम क्या कहते हैं यूनिट को मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, नो मैग्नीट्यूड इज द नंबर। एमसीक्यू आ सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड। इस पर सेंटेंस की समझ आई आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्चुअल है, ये आपने आई थिंक पहली दफा पढ़ा होगा कि जो मैग्नीट्यूड और जो यूनिट होते हैं ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर आपने यूनिट बड़ा कर दिया तो मैग्नीट्यूड आपको छोटी करनी पड़ेगी, अगर आपका यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड आपको बड़ी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, जैसे समान एग्जाम्पल दी है, तो आप देखिए जब आप किलोमीटर यूज करेंगे तो तब आपने लगाना है 10, अगर आप मीटर लगा लेंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे 10,000, तो यानी कि 10,000 की वो नंबर है मैग्नीट्यूड है। तो आप देखिए यूनिट छोटा मैग्नीट्यूड बड़ी, अगर यूनिट बड़ा तो मैग्नीट्यूड छोटे, यानी कि अच्छी बात है अगर इसका मतलब आपने पढ़ी हुई है। मैंने जी इन जनरल बात की है सामा। रेशियो क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज इज इट हैज नो यूनिट, के रेशियो के कभी भी यूनिट नहीं होते। किस रेशियो के यूनिट नहीं होते, जो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होती है उनके यूनिट नहीं होते।
ये एनोटेटर फॉर्म है, ये आपको बुक शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसको आपने क्या करना है, किस पे फोकस करना है। तो ये आपको जुबानी याद होने चाहिए कि किन किन की क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, इसका यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको फार्मूले भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन क्वांटिटीज के यूनिट होती हैं, किन क्वांटिटीज के यूनिट नहीं होते। और हम बहुत ही आराम आराम से चलेंगे, कोई हम तेजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि कंसेप्ट को फोकस करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कोई स्पीड मैंने नहीं मारनी, आराम आराम से चलेंगे, ताकि कुछ स्टूडेंट होती हैं जिनको कंसेप्ट अच्छी होती हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट बहुत वीक होती हैं। तो जाहिर है कि हम क्लास में सभी को साथ लेकर चलना होता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको ये बातें पता हैं तो वो थोड़ा सा सब्र कर लें अपने भाइयों के लिए, कि अब जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो इसलिए अगर हम स्पीड मार लें तो वो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसका यूनिट हमारा नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का भी नहीं होता, और स्ट्रेन का भी यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेन का फार्मूला आप देखें, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन का फार्मूला बताएं। आसिम आप क्या पूछ रहे हैं, फॉर्मूले से ऊपर वाला लाइन, तो स्ट्रेन का आपने वो तो पढ़ी ना, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो तो उनका फॉर्मूला, लेकिन सिंपल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, द यूनिट चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड विल आल्सो चेंजेस बट प्रोडक्ट एंड यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना, यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड और यूनिट का, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट कैसे रहेगा कि अगर यूनिट को आप बढ़ा दें तो एन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, प्रोडक्ट इनका चेंज नहीं होगा। अगर यूनिट को छोटा कर देंगे तो उस हिसाब से जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो आंसर हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट में होता है 100, तो दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका भी आंसर क्या आना है, 100। 40 मल्टीप्लाई बाय 5, उसका भी आंसर क्या आना है, 100। तो एक चीज अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरी कम, वो ज्यादा होगी, अगर एक को कम करें तो दूसरी ज्यादा होगी। क्लियर है आपसे? दूसरी क्वांटिटीज हमारे पास होती है स्केलर, दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इनको जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, जो हमारी ये भी एक मिसकंसेप्शन होती है कि हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, इन दैट केस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन इज नेगेटिव, इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ना जब यहाँ पर होता है ना, तो उसका मतलब क्या लेते हैं कि हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब हमारी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती है तो उसका मतलब ये होगा कि ये नंबर को जाहिर कर रहा है, कि ये बता रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है, वहां पर ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता। तो उस पॉजिटिव को हम खुद बनाते हैं ना मॉड लगा के, तो अब जाहिर है कि ये आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। यूज जो है ना, यूज हम पॉजिटिव करते हैं, दो चीजें हैं, एक होता है एग्जिस्ट ना करना, एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन दूसरी चीज होती है यूज करना। तो इसका जो यूज है ना नेगेटिव मैग्नीट्यूड का, वो नहीं हम करते, यूज हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही करते हैं। लेकिन बात को आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, वो कह रहा है कि अगर आपके जब मैग्नीट्यूड हमारी नेगेटिव होगी, उस केस में नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन जब हमारी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगी उस केस में नेगेटिव साइन हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जैसे लेंजेस लॉ में,
तो लेंजर्स लॉ में जो नेगेटिव का साइन है वो चूंकि मैग्नीट्यूड हमारी पॉजिटिव होती है, लिहाजा उस केस में जो नेगेटिव साइन वो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है। क्लियर है? तो जो स्केलर होती है इनको आप ऑर्डिनरी मेथड से सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप नहीं कर सकते। लेंजर्स लॉ की मैंने एग्जाम्पल दी है कि लेंजर्स लॉ में जो नेगेटिव साइन होता है, या आपने जैसे वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट में जो हमारा होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हुक्स लॉ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें भी क्या होता है कि नेगेटिव साइन लगा था क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव वो डायरेक्शन बता रहा होता है। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड कैन बी एडेड, ये वेक्टर की पूरी डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन सुनाएंगे ना कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर, तो प्रोफेसर आपसे इंप्रेस नहीं होगा, वो ये बोलेगा कि इस बंदे का नॉलेज ही नहीं है, इस बंदे का मुताले ही नहीं है, कि अभी भी वो छोटी एडवांस छोटे लेवल की बुक्स को पढ़ रहा है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है वेक्टर की। अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन बताते हैं ना कि दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर, तो ये बात गलत होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो टेंसर होती हैं उनके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है लेकिन वो वेक्टर नहीं होते। तो ये बात आपने करनी है। एंड कैन बी एडेड दो चीजें हैं, पहली टर्म में कंडीशन क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरी टर्म में कंडीशन ये होनी चाहिए एंड कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ लॉस ऑफ वेक्टर, कि हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो जरूरी नहीं है कि वेक्टर हो, वेक्टर वो तब होगी जब वो वेक्टर लॉस को फॉलो करेगी। वेक्टर लॉस हमारे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि वेक्टर की दुनिया एक डिफरेंट दुनिया है, स्केलर की दुनिया मुख्तलिफ है और वेक्टर की दुनिया मुख्तलिफ है। क्लियर है? नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच एग्जिस्ट इन नेचर देयर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स में ढेर सारी क्वांटिटीज है लेकिन उनमें से थोड़ी सी क्वांटिटीज है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। ये जो सवाल किया जाता है कि सात क्वांटिटीज ही हमने क्यों ली है बेस क्वांटिटीज, तो उसका ये आंसर है कि ये इंट्रिंसिक, ये अल्लाह की तरफ से ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो क्वांटिटीज हैं ही सात। यहाँ पे बुक वाला लिख रहा है कि आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर बहुत ज्यादा लार्ज है विच एग्जिस्ट इन नेचर लेकिन देर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटीज है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ जी, सब मना है कि जो वेक्टेंसेज होती हैं वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगी फिर वो टेंशन ही होगी, वो सिर्फ वेक्टर होगी। तो लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, जैसे आपने करंट को पढ़ा था कि करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन वो ना स्केलर है ना वैक्टर है, क्यों? क्योंकि जो वेक्टर होता है तो वेक्टर तब होगी जब वेक्टर लॉज को फॉलो करेगी, करंट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो टेंसर है। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन। तो ये अगर आपसे सवाल किया जाता है इंटरव्यू में कि व्हाई वुड यू हैव सेवन फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसका आप ये आंसर दे सकती हैं कि गो के यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उसको वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर होता है। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज एज ऑल अदर क्वांटिटीज आर बेस्ड अपॉन एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो दूसरी हमारे पास होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक मिनट रह गए लेक्चर में। तो ये क्वांटिटीज आपको पता है कि वो क्वांटिटीज होती है जो बेस क्वांटिटीज के टर्म में क्या होती है, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये डिराइव कैसे कार्य किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करने से, डिवीजन से ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी आपने ये वाली याद करनी है, टेक्स्ट बुक वाली जो डेफिनेशन है कि
all of the quantities which can be derived from the physical base quantities are called derived quantities. वो डेफिनेशन आती है तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, तो ये भी डेफिनेशन आपने यहाँ से ही याद करनी करनी है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपने आपने जो डेफिनेशन करनी है, आप एसएससी की बुक को भूल जाओ, आप मैट्रिक की बुक्स को भूल जाओ, आपने यहाँ से डेफिनेशन को याद करना है। तो लास्ट मिनट आप दोबारा इसी लिंक से आप ज्वाइन करें, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। और